जहां दशहरे की देशभर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 32 व 33 में स्थित किडजी प्री स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि दशहरे के मौके पर एक बहुत ही अलग अंदाज में यहां पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह से दशहरा मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम करनाल के किडजी स्कूल में हैं, जहाँ की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि बड़े ही खूबसूरती से यहाँ पर यह बच्चे दशहरा मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर वेशभूषाओं में ये बच्चे रेडी होकर पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो स्कूल के मैम हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, दशहरा एक अलग अंदाज में मनाया जा रहा है, क्या कुछ दशहरे के बारे में जानकारी? गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। First of all, on behalf of Kidzee World, Sector 33 and Beanstalk Junior School, I would like to wish all the viewers a very happy Dashera and a very happy festive season. As today in our Sector 33 center, we are celebrating Dashera and all the kids are dressed up beautifully and all the teachers are dressed up beautifully in the ethnic attire. As the first significance of the Dashera festival is to give the message to the people regarding the significance is regarding victory of good over evil, which means Burai par Achhai ki Jeet. And as Dashera marks the beginning of the festive season, so everybody is very happy and atmosphere of good vibes has been created in the school. And as in Kidzee School and Beanstalk Junior School, our main aim is to teach the kids about the real understanding of the concept. So our teachers, our facilitators have worked very hard and they have prepared different scenarios accordingly. So I would like to request Mr. Midda to take have a look over the scenario of the Dashera. Thank you very much. तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े ही खूबसूरत ये बच्चे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वनवास के समय किस तरह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी और बीच में सीता जी की जोड़ी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरती से ये बच्चे तैयार होकर यहाँ पहुंचे हैं करनाल के किडजी स्कूल से। आप इस समय ये दशहरे का सेलिब्रेशन देख रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एक बड़ी ही सुंदर वेशभूषाओं में यहाँ पर पहुंचे हैं। स्कूल के मैम हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे मैम किस तरीके से यहाँ पर आज दशहरा मनाया जा रहा है और क्या कुछ झांकियाँ यहाँ पर बच्चों की तरफ से भी रेडी की गई हैं। First of all, good morning to all the viewers, and I would like to wish you all, first of all, happy Dashera. As sir, he have told you that this is the glimpse of Vanvas, as Lord Ram and Lakshmanji along with Sita Mata, they have to go for Vanvas, the exile for 14 years, and they have to stay there with the entire family. So how they have spent their time there and what they have done, this is the glimpse all over that. Now, he'll be just, tiny tot, he'll be just telling you some things about Dashera. Hello everyone, my name is Krish. I am from Junior KG. Although I like all the festivals, but my favorite is the Dashera. आज के दिन राम जी ने दुश्रावण का वध किया था। दशहरा marks the entry of good over bad. ना कोई राजा ना कोई रानी, सुनो सुनो सब एक की कहानी। अच्छाई की हुई जीत, बुराई की हुई हार। राम जी ने दुश्रावण की खूब लगाई मार। Happy Dashera. तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे ने किस तरह से दशहरा के बारे में बातचीत की। शायद यही वजह है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो करनाल के किडजी स्कूल में नंबर वन रहता है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ पर तैयार होकर पहुंचे और किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने किस तरह से दशहरे के बारे में आपको सबको बताया। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के किडजी स्कूल की, और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। आप तस्वीरें समय देख सकते हैं करनाल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर झांकियों में यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं। मैम से दोबारा हम जाना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस झांकी के बारे में, बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, दिस इज द ग्लिम्स ऑफ सीता हरण, एज सीता माँ शी वॉज अलोन एट हर होम एज लॉर्ड राम हैड गॉन टू कैच हर डियर टू प्लीज हर। सो रावण ही जस्ट ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द अटायर ऑफ साधु एंड ही जस्ट टुक सीता माता अलोंग विद हिम, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक। सीता माता शी इज अलोन एट होम एंड the Lord Ravana, he's dressed in the attire of sadhu and he is very much like he wants the Sita Mata to grab with along with him, and you can see the Lakshman Rekha as well, which was drawn by Lakshman so that no one can harm Sita Mata.
तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने आपको झांकियां दिखाई यहाँ पर वनवास की और सीता हरण की। तो यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है किड्जी स्कूल का, जो बहुत यहाँ पर कुछ बताने वाले दशहरा के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज तेजस्वी उपल, आई रीडिंग ग्रेड वन। टुडे माय टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा। दशहरा इज वेरी फेमस एंड रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल ऑफ अवर कंट्री। इट इज सेलिब्रेट बिफोर दिवाली। लॉर्ड रामा किल द डीमन किंग रावण ऑन दिस डे। दशहरा गिव द मैसेज दैट देयर इज ऑलवेज विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर इविल। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, फेस्टिवल मनाने के साथ साथ उसके पीछे की जो पूरी हिस्ट्री है वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही यहाँ किड्जी स्कूल में काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स को बताई भी जा रही है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी अपने मुँह ज़ुबानी उसे बताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस समय जैसा कि आप अगली झांकी में देख सकते हैं, यहाँ पर अशोक वाटिका का यहाँ पर पूरा सिनेरियो बनाया हुआ है। तो हम मैम से दोबारा से जानेंगे, मैम क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ अशोक वाटिका। एज इफ यू कैन सी सीता माँ, शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री and Hanumanji is there to protect Sita Mata, and Sita Mata, she is always praying that Lord Ram should come and escape her from this Lanka so that she can go along with Lord Ram and Lakshman to the family. तो इस समय यहाँ पर हमारे साथ एक और किड्जी स्कूल की स्टूडेंट है, हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे दशहरे के बारे में। बच्चे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे दशहरे के बारे में? सुपर बात, आज मैं अनिका चौधरी पहली कक्षा की विद्यार्थी आपके सामने दशहरे पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज दशहरे की घड़ी आई, झूठ पर सच की जीत है भाई। रामचंद्र ने रावण मारा, तोड़ दिया अभिमान बिसारा। एक बुराई रोज हटाओ और दशहरा रोज बनाओ। हार के भी वो जीता, रावण मुक्ति पाई, राम के चरण। धन्यवाद, शुभ दिन। तो जैसा कि आपने देखा, कितनी अच्छी कविता यहाँ पर हमें किड्जी स्कूल की एक छात्रा ने सुनाई है। तो इसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे छोटे बच्चों का यहाँ पर जो एक ग्रुप है, जो कि युद्ध का यहाँ पर ग्लिम्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी प्यारी तरह से यहाँ पर बच्चे आज ड्रेसअप होकर आए हैं, किस तरह से दशहरा सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा से हम एक बारी मैम से भी जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर सिनेरियो किस चीज़ का है और क्या कुछ मैम बताएंगे। साथ ही साथ हम स्टूडेंट से भी जानेंगे कि स्टूडेंट जो यहाँ पर एक और किड्जी स्कूल की छोटी सी छात्रा है, वो भी क्या कुछ कहेगी दशहरे के बारे में। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? दिस वुड बी रिगार्डिंग द युद्ध, एज इफ रावण एंड राम, दे जस्ट हैड अ फाइट एंड राम ही डिफीटेड रावण। दिस वॉज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द ईविल। नाउ अ स्टूडेंट शी विल बी टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी दैट हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट हैपेंड ऑन दीज डेज। बच्चे क्या कहोगे आप दशहरे की पूरी स्टोरी के बारे में, लोगों को क्या बताओगे? Good morning friends, my name is Priyanka. Today I am going to tell you a story why we celebrate Dashara. Dashara is a Hindu festival when Lord Ram killed Ravan. Ravan thought he was strong and he was king which nobody could defeat. Ravan did bad deed. तो जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बताया भी, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं साथ ही साथ बताया भी जाता है कि उसकी क्या महानता है, क्यों फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यहाँ पर अब आप एक और यहाँ पर सिनेरियो देख सकते हैं, जो कि दशहरे का रावण पीछे आप देख सकते हैं बच्चों के, ठीक। और वही यहाँ पर जो ये तीन छात्राएँ खड़ी हैं, ये भी हमें यहाँ पर आज दशहरे से रिलेटेड एक राइम सुनाने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से किड्जी स्कूल में आज दशहरा सेलिब्रेशन चल रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किस तरह से ड्रेसअप होकर यहाँ पर आए हैं, दशहरा सेलिब्रेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम स्टूडेंट से भी जो यहाँ पर राइम सुनाएंगे, हम उन स्टूडेंट से पूछते हैं, बच्चे क्या क्या आप प्रेजेंट करना चाहोगे दशहरे के फेस्टिवल पे? राम जी आओ जी, दशहरा मनाओ जी, रावण को जलाओ जी। Say happy Dashera. Clap your hands everyone. ठीक, इसके पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं राम दरबार की भी यहाँ पर पूरा
एक ग्लिम्स बनाई हुई है, एक सिनेरियो बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज किड्जी स्कूल में दशहरा सेलिब्रेशन हुई है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारी वेशभूषाओं में यहाँ पर आज पहुँचे हैं दशहरा सेलिब्रेशन करने के लिए। यहाँ पर पहुँचे हैं अलग अलग, यहाँ पर जो झांकियाँ बनाई गई उसके थ्रू कहीं ना कहीं बच्चों को भी इम्पोर्टेंस पता लगी क्यों ये फेस्टिवल मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेशन आज दशहरा सेलिब्रेट किया गया है। लाइव तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम अंदर किड्जी स्कूल के अंदर चलते हैं, एक बारी मैम से बातचीत दोबारा से हम लास्ट टाइम करेंगे। मैम क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे सेलिब्रेशन के बारे में? सर एक्चुअली व्हाट किड्जी इज डूइंग मैम, वी आर जस्ट टीचिंग इन अ रियल एड, लाइक वी वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग सो दैट किड्स को लर्न वेरी इजीली। रीजन बिकॉज इफ वी आर सिंपली टेलिंग द चाइल्ड दैट दे हैव टू डू दिस, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। सो दिस इज द प्रैक्टिकल टीचिंग विच वी इम्प्लीमेंट एवरी टाइम। थैंक यू। तो अब हम स्कूल के अंदर चल के एक बार जो यहाँ के सेंटर हेड हैं उनसे भी बात करते हैं, सेंटर हेड मैम से जानते हैं क्या कुछ उनके दशहरा सेलिब्रेशन में यहाँ पर आज स्पेशल चीज़ें रही, किस तरह से बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व किया इन सब चीज़ों में। हाय मैम, पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत अच्छे तरीके से आज यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेशन हुई, सभी बच्चे इन्वॉल्व हुए, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार, थैंक यू। उसके लिए आप देख ही रहे हैं कि किड्जी वर्ल्ड और बीनस्टॉक जूनियर स्कूल सेक्टर 33 में हम लोग दशहरा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कैसे टाइनी टॉट्स एक एक किरदार निभा रहे हैं रामायण के, और निभाते हुए अपने अपने क्लास टीचर्स के साथ एक झांकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी टीचर्स का, पेरेंट्स का, उनके एफर्ट्स के लिए। और वो बहुत उत्साहित है, आप देख रहे हैं बहुत एक्साइटेड है। और किड्जी हमेशा से बिलीव करते हैं कि आप जो चीज़ करते हो उसी का ही रियल अंडरस्टैंडिंग आपको होता है। सो इसीलिए हम हर एक फेस्टिवल में बच्चों से रोल प्ले करवाते हैं ताकि उनके जहन में एक अच्छा सा इम्पैक्ट छोड़ जाए। दशहरा का एक अलग ही महत्व है फेस्टिवल्स में, क्योंकि दशहरा हमेशा से 9 दिन फास्टिंग के बाद आता है, उसके बाद उस दिन माता रानी का विसर्जन भी होता है, और उसी दिन हम लोग विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर इविल के हिसाब से हम लोग उसको मनाते हैं। पर मुझे लगता है दशहरा का एक और एक अलग महत्व है कि वो दिल में एक अलग सा चाह जगाता है कि आगे और सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सो व्यूअर्स जो आज हमें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, उन सबको बीनस्टॉक जूनियर स्कूल और किड्जी वर्ल्ड सेक्टर 33 के तरफ से दशहरा और आगे आने वाले सारे फेस्टिवल्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों को इन्वॉल्व किया गया वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप था यहाँ पर, क्योंकि जब तक बच्चों को खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए शायद वो इतने अच्छे से नहीं समझ सकते चीज़ों को, जब वो खुद अपने ऊपर जब उन्हें करने को कुछ रोल्स मिले उसके बाद सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, एक बार दोबारा से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे पूरे यहाँ पर जो दशहरा सेलिब्रेशन की गई थी आज किड्जी स्कूल में, किस तरह से बच्चे यहाँ पर तैयार होकर आए, उन्होंने अपने अपने रोल्स प्ले किए, चाहे पोएम्स हो, राइम्स हो, दशहरा की स्टोरी हो, सब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर खुद प्रिपेयर करके आए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से आज यहाँ पर इन्होंने दशहरा सेलिब्रेट किया, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो स्टूडेंट्स की रही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, वो भी अप्रिशिएबल पॉइंट था एक, ताकि स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझे, महत्व समझे, क्यों फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्या उनके पीछे की कहानी है, क्या कुछ रहा है जिसके चलते ये सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 32 व 33 की दशहरा सेलिब्रेशन की, जहां पर आपने देखा कि स्कूल की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरती से यहां पर दशहरा सेलिब्रेट किया गया, और छोटे छोटे बच्चे किस तरह से यहां पर जमकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आपने देखी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग अंदाज में आपने देखा कि बच्चे बड़ी सुंदर सुंदर वेशभूषाओं में यहां पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें इस समय अंत में देख सकते हैं कि वनवास का एक सीन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्रदर्शित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की जोड़ी, लक्ष्मण जी की जोड़ी, सीता जी की जोड़ी, और किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज दशहरे के मौके पर यह छोटे छोटे बच्चे एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप करनाल के सेक्टर 32 व 33 किड्जी स्कूल की देख रहे हैं। और हम चाहेंगे तमाम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें, ताकि इन बच्चों की तरफ से एक दिया गया एक बहुत ही अच्छा मैसेज सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।